से बस के द्वारा, तो उसने बताया मम्मी को अपनी कि मेरे को आज ब्लीडिंग हुई और मेरे को किसी भैया ने मेरे को छुआ था, परेशान किया था। तो जब मैं वर्किंग पे था तो मेरी वाइफ ने मेरे को बताया, तो मैं तुरंत आया वर्किंग छोड़ के, और ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए मैं भी बिल्कुल शौक था, क्योंकि कल मेरी बच्ची का पहला दिन था, जो मतलब 18 तारीख को, क्योंकि अक्षय तृतीया था, तो मैंने इसलिए सोचा कि अच्छा दिन है, इसलिए हम उसको अपने स्कूल में डाल देते हैं। 10:30 बजे हम स्कूल भी आए फीस पेड करने के लिए, 11,500 का चेक देने के लिए। हमने बोला कि सर बच्ची से मिल लेने दो, तो इन्होंने मिलने से भी हमें इनकार कर दिया। ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए सुबह 7 बजे हम स्कूल में भी आए, स्कूल ने कोई कोऑपरेशन नहीं किया, 2 घंटे तक हमारे लिए बिठा ले रहा और अपने पर्सनल काम करते रहे, और 1 मिनट के लिए बस हम ऐसे ऐसे घुमा दिया कैमरा, और जब कोई कोऑपरेशन नहीं मिला था फिर मैं FIR के लिए गया, तो FIR भी हमारा 11:30 बजे तक दर्ज नहीं किया गया रात के, कंटिन्यूसली यहाँ से वहाँ बस हम लोग घूमते रहे 11:30 बजे। फिर जब बहुत प्रिंसिपल से पूछताछ हुई, CCTV फुटेज भी आपने देखा, क्या लग रहा है इस मामले में? नहीं, हम अभी प्रिंसिपल से बात नहीं किए हैं और CCTV फुटेज भी नहीं देखे हैं, अभी हम सिर्फ बच्ची से बात किए हैं, उनके माँ बाप से बात किए हैं, और यहाँ जो आया है उनसे बात किए हैं, उस जगह का देखे हैं जहाँ बच्ची बता रही मेरे साथ ऐसा घटना घटित हुआ है। बच्ची क्योंकि बहुत छोटी है, क्लास 1 की बच्ची है, और बहुत सहमी डरी हुई सी है, उसको जो बात पूछा जा रहा है वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं बता पा रही है, उसके बातचीत से लग रहा बच्ची बहुत डरी हुई है। और जब हमने यहाँ शिक्षक स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा जो हमको अभी बाथरूम दिखाया गया है उसमें PP1 नर्सरी के बच्चे और क्लास 1 के बच्चे ही आते हैं, बड़े बच्चे नहीं आते हैं उनका कहना है। और हम वहाँ बच्ची को भी बुलाए, बच्ची से बात की तो बच्ची बता रही है यहाँ एक भैया आया था, और जिसने पूरी बात अच्छे से नहीं बता पा रही है, पर वो इतना ही कह पा रही है वो लड़का जो है, बच्चा जो है, भैया जो है उसको टच किया है और कुछ किया है, और कुछ किया है, तो अब बच्ची बता नहीं पा रही है, और क्योंकि सहमी हुई सी है इसलिए हम ज्यादा उससे बात करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। परंतु हमने जब टीचर स्टाफ से पूछा कि उस बच्ची के द्वारा यहाँ से स्कूल से बिना चड्डी का गई है घर, वो तो उसका चड्डी कहाँ है, तो इनका कहना है कि हम चड्डी को जला दिए हैं। तो हमने कहा चड्डी को क्यों जलाए आप, क्योंकि आप तो फीस लेते हो नर्सरी PP1 PP2 और क्लास 1 के बच्चों का, कि उसकी सफाई करें, आप उन्हें साफ करके नहीं रखा, क्या ये आपकी जवाबदारी नहीं बनती? उनका कहना है हम कभी कभी जला भी देते हैं और जला दिए हैं, ऐसा जलाया जाना उनने स्वीकार किया है, और चूंकि चड्डी को जलाई है तो अब हमें लगता है कि जब तक बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाता, और सारी बात की हम अभी शिक्षक स्टाफ से जो उनको पढ़ाती उनसे भी बात करेंगे, उनके प्रिंसिपल से भी बात करेंगे, और उसके बाद पूरी तह के साथ हम नीचे जाना चाहेंगे क्या हुआ वास्तव में उनके साथ, और इसकी जो है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इस केस को पूर्ण रूप से एक जांच अधिकारी अपने सदस्य को नियुक्त करेगा, और पूरी केस की जो जांच है वो स्वयं हमारी निगरानी में, बाल आयोग की निगरानी में, हम इसको पूरी तरह दोनों को बुला के और करके और पूरी तरह बच्ची के साथ न्याय हो, इस बात की हम आप सबको आशा की कितनी लापरवाही इसमें नजर आ रही है? जी अभी तक तो देखने में आ रही लापरवाही, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, इनका कहना है 2 बार 3 बार 4 बार जब बाथरूम गई तो इस चीज की इनको जानकारी लेना था कि बच्ची बार बार बाथरूम आखिर क्यों जा रही है, मान लो उसको पट्टी भी लग रही बार बार तो क्यों हो रहा है, इस बात की जानकारी इन्हें लेना चाहिए था। और बच्ची ने जब वहाँ वो इनका कहना है कि बच्ची जो है पट्टी कर दी और चड्डी वहाँ फेंक दी है इसलिए चड्डी को वहाँ से हटा के जला दिया गया है, जो थोड़ा सा संदेह के दायरे में निश्चित रूप से।